हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि फेस स्मूथनिंग कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, आप भी अपने फोटो को इस स्टेप से स्मूथनिंग करके आप अपने फोटो को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे पोस्ट करके बहुत सारे व्यू पा सकते हो। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है स्नैपसीड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को डाउनलोड होने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे सेलेक्ट करके आपको अपने गैलरी में से कोई भी नॉर्मल फोटो ले लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने फोटो सेलेक्ट कर दिया और राइट साइड में जो पेंसिल का टूल है वहाँ पर आपको सेलेक्शन कर देना है। पेंसिल टूल पर जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर पैनल दिख जाएगा और पैनल में आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन ट्यून इमेज, वहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। फ्रेंड्स, इसके बाद इस इंटरफेस में यहाँ पर बॉटम में जो एक आइकन दिया गया है वहाँ पर आपको कर देना है सेलेक्शन। और आपको थर्ड वाला ऑप्शन सेचुरेशन, तो सेचुरेशन को आपको फ्रेंड्स क्या करना है, -100 के ऊपर यहाँ पर सेट कर देना है। और फिर से एक दूसरा ऑप्शन एम्बियंस का आएगा, वो आपको कम से कम -2 या -3 पे रख देना है। फ्रेंड्स, ज़्यादा इसे कम नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर ग्रेडियंट इफेक्ट ज़्यादा आ जाएगा। बॉटम में जो चेकबॉक्स का ऑप्शन है इसकी सहायता से फोटो को यहाँ पे सेव कर देना है। फ्रेंड्स, आपको फिर से क्या करना है, ऊपर में जो एरो है राउंड एरो वहाँ पे आपको कर देना है व्यू एडिट। तो व्यू एडिट पे जाने के बाद आपको राइट साइड में टोन इमेज का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आपको करना बीच वाला एक ऑप्शन मिलेगा पेंसिल वाला, तो यहाँ पे आपको कर देना है सेलेक्शन। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे इन्वर्ट का एक ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद आपको क्या करना फ्रेंड्स, फोटो को जूम कर देना। आपका जो भी स्किन पार्ट है वहीं पे आपको इस पेंसिल टूल को चलाना है। सो फ्रेंड्स, अदर पार्टीशन जैसे बाल वगैरह कहीं पे भी आपको यहाँ पे इस पेंसिल टूल को नहीं चलाना है, जो आपका स्किन एरिया है वहीं पे आपको इस पेंसिल टूल को चलाते जाना है। तो फ्रेंड्स, मैं बारी बारी से आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ कि फोटो को आपको फ्रेंड्स जूम करके ही रखना है। बिना जूम किए यदि आप फोटो एडिटिंग करोगे तो आपके पिक्सल्स आपको अच्छे तरीके से नहीं दिखेगा और फोटो एडिटिंग अच्छा नहीं हो पाएगा। ये सब सेलेक्शन होने के बाद राइट साइड में जो चेकबॉक्स का ऑप्शन है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको कर देना है सेलेक्ट। और जो टॉप में लेफ्ट साइड में जो एरो है वहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको फिर से पेंसिल टूल पे आ जाना और यहाँ से आपको थर्ड वाले लेयर में पेंसिल यहाँ पे सेलेक्टिव टूल आपको मिल जाएगा। तो सेलेक्टिव टूल पे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आपको अपने स्किन पार्ट जहाँ पे डार्क एरिया वहाँ पे आपको बी कैरेक्टर दिख जाएगा और यहाँ से आपको बी कैरेक्टर को क्या करना, यानी ब्राइटनेस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देना, यानी ये ब्राइटनेस का लेवल आपका कम से कम 70 से ऊपर रहना चाहिए, तभी आपके फेस के अंदर जो ब्राइटनिंग इफेक्ट है वो अच्छा तरीके से दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके यहाँ से यहाँ पे आपको सेचुरेशन का ऑप्शन है, सेचुरेशन को -8 तक ही रखना है और यहाँ पे स्ट्रक्चर उसको -10 पे ही रखना है। तो फ्रेंड्स, इतना सब एडिटिंग होने के बाद चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके फ्रेंड्स फिर से पेंसिल टूल पे चले जाना है। पेंसिल टूल में जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे नीचे एक पोर्ट्रेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। पोर्ट्रेट ऑप्शन में जाकर फ्रेंड्स आपको इसे सेलेक्ट कर देना और बीच वाला ऑप्शन रहेगा वहाँ पे आपको स्मूथ सेकंड, ये वाला आपको पैनल आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद बीच वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके फेस स्पॉटलाइट ये आपको थोड़ा बहुत बढ़ा देना है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ये रहेगा स्किन स्मूथनिंग का, तो फ्रेंड्स इसको 100 तक मैं लेके जा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन आई क्लैरिटी, आई क्लैरिटी को मैं बढ़ा रहा हूँ, कम से कम 50% तक आपको बढ़ा देना है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो कि आप फोटो एडिटिंग स्मूथ तरीके से हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग आप यदि मेरे से करवाना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे DM में आप अपना फोटो भी दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा फोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस टाइप की फोटो एडिटिंग चाहते हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने फोटो को एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करने में आपका फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो कि फेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए थैंक यू।